हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे मछलियों यानी कि जो जल में जितने भी जीव रहते हैं उनके बारे में, और जो खुली हवा में रहते हैं जैसे कि मानव या फिर कोई भी जीव जंतु है वो जो कि खुली हवा में रहते हैं, जो कि पानी के बाहर रहते हैं उनमें किस तरीके से श्वसन होता है, और जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें किस तरीके से श्वसन होता है। ये सारी की सारी बातों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो जीव जल के बाहर रहते हैं उनमें श्वसन कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। अब फेफड़े जो होते हैं ना वो थैली की जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। अब इन थैली के चारों तरफ वाहिकाएँ पाई जाती हैं। वाहिकाएँ छोटी छोटी नलकियाँ होती हैं जिसमें रक्त भरा होता है, ठीक है। अब जो ये वाहिकाएँ हैं, नलकी जैसी स्ट्रक्चर है, इनमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे रक्त जो है वो हमारे फेफड़ों में नहीं आ पाता है, लेकिन जो गैसेज हैं उनका आदान प्रदान आराम से हो जाता है। अब जो ये वाहिकाएं होती हैं जो कि नलकी जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, इनमें ब्लड होता है। ये ब्लड कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए इनमें ब्लड होता है और उस ब्लड में CO2 गैस मिली होती है, ठीक है। अब ब्लड में CO2 गैस है और ब्लड कहाँ पर है, वाहिकाओं में है। और वाहिकाएँ कहाँ पर हैं, वाहिकाएँ हमारे लंग्स के चारों तरफ हैं और लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन गैस है। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाहिकाएं जो हैं वाहिकाओं के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन फेफड़ों में कम है और वाहिकाओं में जो ब्लड है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए CO2 जो गैस है वो ब्लड से फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन गैस है वो फेफड़ों से होती हुई वाहिकाओं से होती हुई ब्लड में चली जाती हैं, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। देखो, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो टंकी है वो ऊंचाई पर रखी हुई है। अब उस ऊंचाई से पानी को हम नीचे वाले स्तर पर आराम से ला सकते हैं, लेकिन अगर हमें नीचे वाले स्तर से ऊंचाई पर पानी को पहुंचाना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई उपकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि ऊंचाई से नीचे वाले स्तर पर पानी आराम से आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। अगर मान लो हमारा वाटर का जो लेवल है वो बराबर होगा ना, तो बराबर होने की कंडीशन में न ही ऊपर से नीचे आएगा पानी और न ही नीचे से ऊपर जाएगा पानी। कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म हमारी वाहिकाओं में भी पाया जाता है, ठीक है। वाहिकाओं में हमारे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से CO2 आराम से फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों से ऑक्सीजन आराम से वाहिकाओं में जो ब्लड है वहाँ पर आ जाती है। अब ये जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन आ चुकी है, ये ब्लड हमारे हार्ट में आएगा और हार्ट जो है इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करेगा और पूरे के पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएँ हैं वहाँ तक सप्लाई कर देगा। अब जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। अब कोशिकाएं क्या काम करती है, कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रिया करता है और क्रिया करके CO2 गैस और H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा कोशिकाओं के काम आ जाती है और H2O भी कोशिकाओं के काम आ जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो 75% H2O से यानी कि पानी से मिलकर के बना होता है। और जो CO2 गैस बनती है, ये CO2 गैस उसी ब्लड के साथ वापस आती है जो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के जाता है उन कोशिकाओं तक। अब देखो, जो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है उस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसलिए जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है, कोशिकाएं वहां से ले लेती हैं। और जो कोशिकाएं हैं वो CO2 गैस को ब्लड को दे देती हैं। क्यों दे देती हैं, क्योंकि ब्लड में CO2 गैस की कंसंट्रेशन कम होती है और कोशिकाओं में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए CO2 कोशिकाओं से ब्लड में आ जाती है। अब ये जो CO2 युक्त ब्लड है ये हमारे हार्ट में आ जाता है और हार्ट से ये फेफड़ों में जाते हैं और जो फेफड़ों की वाहिकाएं हैं वहां तक पहुंच जाता है। पहले हमने बात की थी ना वाहिकाओं में जो ये CO2 युक्त रक्त है ये कहां से आता है, ये वहीं से आता है, ठीक है। अब दोबारा वही प्रक्रिया होगी जो शुरू में हुई थी और यही प्रक्रिया हमारे शरीर में रेगुलर चलती रहती है, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन।
देखो अब हम बात करेंगे कि जलीय जीवों में किस तरीके से श्वसन की प्रक्रिया होती है। जलीय जीवों की अगर बात की जाए ना, तो जलीय जीवों में श्वसन के लिए एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है जिसके द्वारा उनमें श्वसन होता है। देखो अगर मछलियों की बात करें ना, तो मछलियों में श्वसन के लिए जो गिल्स होते हैं उनके शरीर पर गिल्स पाए जाते हैं। ये गिल्स उनके मुँह के अंदर होते हैं जो कि श्वसन में काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। जो डॉल्फिन और व्हेल मछलियाँ होती हैं ना, वो कुछ हमारी तरह ही श्वसन के लिए हमारे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन पर निर्भर करती हैं। यानी कि ये हमारा ये जल के अंदर श्वसन नहीं करती हैं, ये जल के बाहर श्वसन करती हैं, इसीलिए ये जल के बाहर आती रहती हैं बार बार। और जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनमें जो गिल्स होता है वो उत्तरदायी होता है जलीय श्वसन के लिए। देखो हमें पता है जो जल है, वाटर है, उसका फॉर्मूला H2 होता है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर के H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है कि यहीं से ये ऑक्सीजन को निकालते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि जो समुद्रों और नदियों का जो जल होता है उसमें हमारे एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है वो लहरों की वजह से वो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन नदियों और समुद्रों के जल में घुल जाती है। अब वो घुली हुई ऑक्सीजन को ये मछलियाँ आराम से निकाल लेती हैं। इनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले जो मछलियाँ हैं ये वाटर को, जो समुद्रों या फिर नदियों का पानी होता है, उस वाटर को अपने मुंह के अंदर लेती हैं और मुंह के अंदर इनके मुंह के ऊपर की तरफ गिल्स पाए जाते हैं। ये जो गिल्स होते हैं ये कुछ इस तरीके की संरचना होती हैं जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। ये जो गिल्स होते हैं ना, ये बहुत सारी वाहिकाओं से मिल करके बनी होती है। और हमें पता है कि जो वाहिकाएँ होती हैं वो नल की जैसी स्ट्रक्चर होती हैं और जिनके अंदर ब्लड भरा होता है। ठीक है, अब ये जो नलकी होती है इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनकी सहायता से गैसों का एक्सचेंज आराम से हो सकता है। यानी कि हमारा ऑक्सीजन घुला हुआ जो पानी है उस पानी से ऑक्सीजन आराम से हमारे ब्लड में चली जाती है जो कि वाहिकाओं में होता है। और वाहिकाओं में जो ब्लड होता है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जो कि आराम से उस पानी में चली जाती है। यानी वैसा ही होता है जैसा कि मानव में होता है, बस फर्क क्या है पानी का है। पानी से ऑक्सीजन आराम से चली जाती है वाहिकाओं के रक्त में और वाहिकाओं के रक्त से CO2 आराम से पानी में आ जाती है। अब ये CO2 युक्त पानी है ये मुंह से बाहर आता है। ये जो प्रक्रिया है ये मछली में बार बार चलती रहती है। लेकिन जिस पानी में ऑक्सीजन घुली हुई नहीं होती है उस पानी में मछलियाँ जिंदी नहीं रह पाती हैं, यानी कि उस पानी में मछलियाँ मर जाती हैं। इसीलिए जो एक्वेरियम है उसमें एक स्पेशल मशीन लगाई जाती है जो कि एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को उस पानी में घोलने का काम करती है जिससे मछलियाँ जिंदी बनी रहती हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।